राज नंदिनी का है। उसी ने मुझे सात्विक का दिल तोड़ने के और उससे दूर जाने के पैसे दिए थे। जीविका चाहे ये गलतफहमी में हो कि वो मुझे इस घर में लाई है और वो मेरी और सात्विक की शादी करा रही थी, पर सच तो ये है कि ये साजिश राजनंदिनी की है। आप सबको लगता है ना कि मैंने सात्विक की गर्लफ्रेंड होके उसको धोखा देके बहुत बड़ा पाप किया है? अरे उस देवी का क्या जिस पर आप सालों से भरोसा करते आ रहे हो, सालों से पूछते आ रहे हो? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं श्लोक, उस वहीनी की कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें इस तरह से देखना बहुत बुरा लग रहा है। डरा दिया सात्विक आपने मुझे, और आप मेरे इतने पास क्या कर रहे थे? तुमने मुझे डरा दिया और मैं वो मैं क्या? अरे मैं ये सात्विक शांत आंखें निकाल रहा था मैं तुम्हारी है? अरे मतलब वो अरे आंखों की पलकें थी ये दी। आप इसलिए नाराज है ना कि वो बारहवीं पास, अब आप जैसे पढ़े लिखे MBA की किताब चेक करेगी, अकाउंट्स को क्रॉस चेक करेगी, और इस कांताबाई का चेहरा घर में देखना क्या कम था जो अभी आपको ऑफिस में भी झेलना पड़ेगा? दी मैं एक बात कहूं, आपको जीविका के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है दी। आप तो बड़ी ही आसानी से उसे ऑफिस से बाहर निकाल सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने का मौका वो खुद देगी, क्योंकि ना ही जीविका ने अकाउंट्स की पढ़ाई की है और ना ही जीविका कहीं अकाउंटेंट का काम किया है। ऐसे में करोड़ों का अकाउंट हैंडल करते करते कहीं ना कहीं उससे गलती होगी ही, और अब राजनंदिनी के होते हुए एक क्या कई गलतियां हो सकती हैं। तुम्हारा आज ऑफिस का पहला दिन कमाल का होगा। जब हम सबको तुम पर इतना यकीन है, इतना भरोसा है, तुम्हें खुद पर क्यों नहीं? थैंक यू। मेरा मतलब एक्सक्यूज मी, ऑफिस में एक्सक्यूज मी कहा जाता है, ना कि घर की तरह सुनिए जी, ठीक है? और नए इंटर्न को एक दिन में एक ही चीज सिखाती हूँ, अब जाओ और मेरे लिए जल्दी से कैपुचिनो लेके आओ, वो भी बिना शुगर लगाए, ठीक है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ जल्दी आओ। कहाँ कहाँ जाना है? पैंट्री में, और कहाँ? ये नए इंटर्न्स को कुछ आता जाता तो है नहीं, बस बन टन के आ जाते हैं। देख मेरा वैसे भी सुबह से सर दर्द कर रहा है और तू और मेरा दिमाग का दही लग रहा, फटाफट जा और लेके आ चल। मैम काम हो गया। परफेक्ट निशा।